नोन एज सेतु बंधासन और द ब्रिज पोजिशन. सो ब्रिज इज एक्चुअली अक्रॉस सम रोड और सम रिवर. सो नेचुरली इट हैज अ काइंड ऑफ अपोजिट टेंशन टू इच अदर. सो अवर एपिक्स डिटरमाइन दैट इफ यू हैव अ ब्रिज पोजिशन इन द बॉडी वी कैन डेफिनेटली मेंटेन अ बेटर हेल्थ ऑफ वॉट एवर कंस्ट्रक्ट दैट हैज ऑफ द ब्रिज. दैट इज द प्रिंसिपल विच इज यूज इन ब्रिज पोजिशन. नेचुरली ब्रिज हैज द अपोजिट फोर्सेस विच आर एक्चुअली टचिंग इच अदर और दे आर गोइंग अवे फ्रॉम इच अदर, कीपिंग द होल ब्रिज बैलेंस्ड. सो ब्रिज पोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज ऑल्सो नोन एज स्कंदरासन, सेतुबंधासन. एंड दिस पोजिशन द कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, नो प्रेग्नेंट लेडी शुड डू इट. इट हैज अ स्ट्रेच इन द स्टमक, इट हैज अ स्ट्रेच ऑफ द टमी. सो नो प्रेग्नेंट लेडीज शुड डू इट. वेरी इंपॉर्टेंटली दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम एबडोमिनल एब्सेस और एबडोमिनल इंजुरीज और एबडोमिनल सर्जरीज रिसेंटली, दोज पीपल शुड नॉट डू इट. दोज हु हैव स्लिप डिस्क दे शुड कनेक्ट विद देयर फिजिशियन फर्स्ट एंड देन ओनली दे शुड डू इट. अगेन दोज हु हैव एबडोमिनल हर्निया दे शुड नॉट गो फॉर इट और शुड कनेक्ट विद देयर डॉक्टर. पीपल हु हैव द शोल्डर इंजुरीज, बिकॉज द होल वेट कम ऑन द शोल्डर एज वेल एज द वेट कम ऑन द नीज. सो नीज आर बेंड, दे आर स्ट्रेच. सो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी नी इंजुरी और नी पेन, दे शुड नॉट डू इट. वेर एज दोज पीपल हु आर एक्चुअली सिटिंग फॉर मच मोर टाइम एंड दे गेट बोर्डम एज वेल एज दे गेट द एक ऑफ बैकबोन, दिस इज द परफेक्ट आसन फॉर दैम. इट इज सेड दैट विल कम टू द एडवांटेज ऑफ सेतुबंधासन, बट बिफोर दैट विल गो फॉर इट्स क्रिया और मेथड. ओके, लेट्स गो फॉर दिस सेतुबंधासन. सो वी हैव टू लाई डाउन, वी हैव टू लाई डाउन. ओके, सो फ्रीली फेसिंग द स्काय, लाई डाउन फेसिंग द स्काय स्ट्रेट. वन ऑफ द बेस्ट आसन इन योग, सेतुबंधासन. सो स्लोली फर्स्ट ब्रिंग योर बोथ द हिल नियर टू योर हिप. ट्राई टू हैव अ डिस्टेंस ऑफ द एंड ऑफ हिप और थाई. योर हिल शुड बी इन दैट पर्टिकुलर लाइन. ओके, लेफ्ट थाई एंड लेफ्ट हिल शुड बी इन वन लाइन and right thigh and right heel should be in the another line. The second one, you have to stretch yourself completely so that you can have a strength of this particular complete body part. Okay, hold your heel, try to hold your heel in such a way that you can firmly hold the upper portion of the heel here and just protrude your chest so that your weight is on the shoulder. Your weight is on the shoulder. This is the first step where you have prepared yourself to take a kind of off towards the sky. Okay, this is the first step, and you will find in this step itself you have a stretch of your complete backbone, and slowly with the support of hand raise yourself up. Your groin should be up, tummy should be up, and your complete weight should be on the shoulder and the toes. You can have keep them heels down, you can also raise your heels as you are comfortable with or you are efficient with. If you find yourself that you cannot go beyond particular limit, don't go. Please don't perform more than your own capacity. Up, you will observe the stretch in the thighs. You'll observe that something
विच यू नेवर यूज द हिप मसल दे आर गेटिंग स्ट्रेच. यू विल ऑब्जर्व दैट दोज पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द बॉडी द लंबर पोर्शन इज गेटिंग स्ट्रेच एंड देर इज अमेजिंग स्ट्रेच इन द सर्वाइकल एंड द थोरेसिक पोर्शन. द होल रिब केज इज एक्चुअली कंप्लीटली इन्फ्लेटेड. ओके टमी इज अप एंड योर रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन. ऑब्जर्व दैट द स्ट्रेच यू हैव इन द हिप दैट स्ट्रेच यू नेवर हैड any time in the life if you stretch yourself up. Here this is a breathe in position completely. You can also have the breathe in breathe out in this position. If you want to do it for more time, 10 to 30 seconds you should lift it, keep it this way, and very slowly come down, be in the relaxed position. And just unfold your legs. Take a rest for at least 3 to 10 seconds. Setu Bandhasan is such that it looks very simple. It is equally effective. Setu Bandhasan. Very importantly, Setu Bandhasan is used for reducing the anxiety, reducing the stress, reducing the stretch in the vertebral column, reducing the pains which are there by long term sitting. It is also a mood enhancer, Setu Bandhasan. It integrates the complete body with the muscles which are generally not used, and that you will find. If somebody would like to give a shape to the hip, the Setu Bandhasan is the one of the best asana. Apart from that, it has a stretch over the abdomen, so reduces the fat over the abdomen. One of the best asana to avoid the depletion of insulin from the body, so definitely helps in preventing the diabetes. One of the best asana to have a increase the strength of scapula and shoulder. One of the best asana for the joyfulness, or one of the best asana to avoid the psychological diseases, Setu Bandhasan. So the position seems to be very simple, but believe Setu Bandhasan, if the person is doing, he will be happy by his face. That is the advantage of Setu Bandhasan. Okay, so let's go for the